ओपन पोर्स का प्रॉब्लम एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और मैं आज इसके बारे में कुछ सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। कुछ मेडिसिन भी मैं बताऊंगी, होम्योपैथी मेडिसिन जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और जिसका यूज से आपका जो ओपन पोर्स का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। दोस्तों, ओपन पोर्स होते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे एज बढ़ने लगते हैं ओपन पोर्स और भी ओपन हो जाते हैं और बड़ा होने दिखते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक वो छोटा छोटा रहता है तब तक तो ठीक है, कोई दिखता नहीं है, लेकिन अगर वो बड़ा होने लगते हैं तो बहुत ही बुरा दिखते हैं। चेहरे का डिजाइन बिल्कुल जो संतरे के छिलके के ऊपर जो डॉट डॉट रहते हैं उस तरह का बन जाते हैं। पोर्स जो है वो सबके फेस में होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे आप देख नहीं सकते, सबके फेस में है, जिससे क्या होता है चेहरे का वो जो ऑक्सीजन लेवल है उसको ये मेंटेन रखता है। ये पोर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पोर्स खुला रहता है तो आपका स्किन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन मेंटेन रहते हैं, और एक इसका काम है वो बॉडी में टॉक्सिन को निकालने के लिए बहुत हेल्पफुल है। टॉक्सिन जो है मतलब आपके बॉडी में जो भी गंदा पदार्थ है उसको बाहर निकलने के लिए भी पोर्स होना जरूरी है और सबके फेस में होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम होता है जब ये बड़े दिखने लगते हैं, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है या अगर किसी का कम एज में भी दिखते हैं, अगर वो अच्छे से फेस को वॉश नहीं करता है, बाहर से आ जाते हैं धूल मिट्टी में ही, घर पर आके सो जाते हैं, फिर सुबह उठते है, अच्छे से फेस को वॉश नहीं करते हैं, नॉर्मल पानी से भी वॉश नहीं करते ठीक से, तो उन लोगों को ज्यादातर हो जाते हैं ओपन पोर्स का प्रॉब्लम। तो आज मैं ये वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि ओपन पोर्स का कुछ मेडिसिन जिससे वो सॉल्व होगा, और ओपन पोर्स अगर गड्ढे अगर रहने से आपको आगे जाके क्या प्रॉब्लम होगा। गड्ढे रहते हैं, पोर्स रहते हैं जो खुला हो रहते हैं, जिससे ऑक्सीजन लेवल आपका सही रखता है और आपका फेस में ग्लो लाने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ग्लो कहाँ से आते हैं, पसीना है वो निकलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मैं फैन ऑफ करके अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, नहीं तो पूरा आवाज आएगा। तो देखिए मेरा फेस में बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है, तो इससे आपका स्किन में ग्लो आता है और ये होना भी जरूरी है। लेकिन ये बढ़ जाता है जब, तभी दिखने में बहुत बुरा लगता है। तो बढ़ते क्यों है, अगर आपका फेस बहुत ज्यादा ऑयली है और आप फेस को क्लीन नहीं करते हो उससे प्रॉब्लम होते हैं, अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल लीड करते हो, कि आप अगर बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो, बहुत ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, तो उसमें आपको ये ओपन पोर्स का प्रॉब्लम जल्दी आ सकते हैं। नेचुरली ये होता है, एज के हिसाब से ये बढ़ने लगते हैं। अगर आप अपना स्किन को धोते नहीं हो या स्किन केयर नहीं करते हो थोड़ा बहुत, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होते हैं। अब बात करते हैं ये क्या दिखेगा और आगे चल के ये आपको कैसा लगेगा और इससे कोई आपको इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। चेहरे पे अगर आपको ओपन पोर्स रहते हैं तो ये जैसे कि संतरे के ऊपर जो छिलके के ऊपर जो सरफेस में डॉट 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 रहते हैं उस तरह का वो दिखने लगते हैं, और जो धीरे धीरे अगर छोटे हैं तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े हो जाते हैं तो दिखने में बुरा लगता है, जिसकी वजह से आपको ये महसूस होता है कि मेरा स्किन अच्छा नहीं लग रहा है, सब देख रहा है, ऐसा कुछ आपको मन में होने लगते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। और ओपन पोर्स होते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी होते हैं, अगर आपका घर पे आपका मम्मी पापा घर पर किसी का बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आप पर भी आ सकते हैं। ओपन पोर्स बहुत ज़्यादातर देखा जाता है कि जिन जिन लोगों का स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है उनके ऊपर ये ज़्यादा होता है, उनके स्किन में ज़्यादा होते हैं ओपन पोर्स, ड्राई स्किन वालों में कम होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ओपन पोर्स आपका रहते हैं और ये आपका मतलब होते रहते हैं, ठीक नहीं करते हो आप इसको, और ये आगे जाके जब आपका 35, 40, 50 एज हो जाएगा, 50 इयर्स, तब ये धीरे धीरे और बड़े होने लगते हैं, क्योंकि आपका स्किन का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम होने लगते हैं और वो पोर्स ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं, जो दिखने में बहुत ही बुरा लगता है। ऐसे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पोर्स दिखने लगने से आपको कोई खुजली नहीं होगा, बस आपको ये फील होगा कि हाँ मेरा स्किन ऐसा लग रहा है, आपका माइंड में ये होता रहेगा। जिन लोगों का कम एज है, अगर बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स है, बड़ा बड़ा ओपन पोर्स है, तो उसमें धूल मिट्टी जमने से उससे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो एरिया है नोज का या फिर फेस में, यहाँ 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 अगर बड़ा बड़ा सा होता है तो उसमें पिंपल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर उसमें मैल जम जाता है तो। और नाक में नोज में जो ओपन पोर्स होते हैं उसमें क्या होता है, ओपन रहने से क्या होता है, धूल मिट्टी जम के वो हो जाते हैं ज़्यादातर ब्लैक हेड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। अब चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको क्या मेडिसिन आपको यूज़ करना है। आपको इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन जो है, जिससे आपका ओपन पोर्स धीरे धीरे कम होने लगेगा और कम होते 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 धीरे धीरे ये आपका जो ओपन पोर्स विजिबल होने लगता है वो आपका नहीं होगा, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन है, ये ज़्यादातर लोग नहीं कहेंगे, वो है साइलेसिया टॉलवैक्स। ओपन पोर्स को भरने के लिए साइलेसिया टॉलवैक्स
इससे ज़्यादा अच्छा मेडिसिन कुछ है ही नहीं। अगर आपका पोर्स बहुत ज़्यादा, स्किन गंदा दिखता है, बहुत बड़ा बड़ा पोर्स है, बहुत बुरे लगते हैं, स्किन आपका स्किन हील नहीं होता है, तो इसके लिए साइलेस या टॉलबैक्स बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इससे अच्छा ओपन पोर्स को ढकने के लिए, कोई भरने के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं है। अब मैं बता दूँ इसको आपको लेना कैसे है। आपको इसको लेना है दिन में 2 बार, 4 गोली या 6 गोली, बस मुंह में लेके आपको चूसते रहना है चॉकलेट की तरह। फिर अगर पानी आपको लेना है, पानी पीना है, तो आप पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका एज है 19 साल से कम या 18 साल से आपका कम एज है, तो आप लेंगे 4 गोली, और 19 साल से ज़्यादा अगर आपका एज है तो आप लेंगे 6 गोली, वो दिन में 2 बार। तो पहले मैं बता रही हूँ इसको आपको खाना जो है, खाने का मेडिसिन बता रही हूँ आप। चलिए मैं बताती हूँ आपको लगाने का कुछ मेडिसिन, जिससे आपका ओपन पोर्स धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। दोस्तों आप, मैं बताती हूँ आपको लगाना क्या है। लगाना है मास्को क्रीम। मास्को क्रीम जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपका फेस में ओपन पोर्स है या दाग धब्बे है, उसको ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। इसको आपको लगाना है सिर्फ रात के टाइम, दिन में ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। दिन में जो क्रीम आपको लगाना है वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले आपको रात के सोने के टाइम आप फेस अच्छे से धो लीजिए। चाहे आप साबुन से धो सकते हो, फेस वॉश से धो सकते हो, बेसन से धो सकते हो, या पानी से भी धो सकते हो, जो भी है आप फेस वॉश अच्छे से कर लीजिए। फिर फेस को आप सूखने दीजिए। उसके बाद ये क्रीम जहाँ जहाँ, मान लीजिए यहाँ पे आपका ओपन पोर्स है या दाग है, या फिर यहाँ पे जहाँ जहाँ आपका ओपन पोर्स है, बस आप वहाँ आप लगा के रात को सो जाइए, सुबह उठ के फेस धो दीजिए। आपका ये धीरे धीरे इतना अच्छे से काम करेगा। इसमें रहता है रोज़, एलोवेरा, एजरर, इंडिका डाला हुआ है, और भी कई तरह का चीज़ें डाले हुए हैं, जिससे आपका स्किन हीलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, और आपका स्किन में जो भी आपका ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। नेक्स्ट जो मेडिसिन है जो आपको मॉर्निंग में लगाना है जो क्रीम, वो है टॉपी बर्बेरी क्रीम। टॉपी बर्बेरी क्रीम का मेरे चैनल में इन डिटेल में वीडियो है, आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। टॉपी बर्बेरी क्रीम आपको लगाना है मॉर्निंग के टाइम। पहले फेस को अच्छे से धो लीजिए, फिर आप इसको लगाइए दिन में 2 से 3 बार, जिससे आपका स्किन धीरे धीरे हीलिंग होने लगेगा, और आपका जितना भी ओपन पोर्स है, गड्ढे हैं, जो विजिबल है, दिखते हैं, वो धीरे धीरे आपका ठीक होने लगेंगे। चेहरा भी इससे आपका ब्राइट हो जाते हैं। और इसको आपको WSI का लेना है, अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। WSI का बहुत ही अच्छे से काम करते हैं ये मेडिसिन। इसमें बर्बेरी सक्रोफोलियम 10% और मदर टिंचर 10% डाली हुई है, बाकी है क्रीम का बेस जो है वो। तो लगाना भी बहुत ईजी है। आप इसमें बर्बेरी सक्रोफोलियम मदर टिंचर भी मैं बोल सकती थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि ये क्रीम है। 2 से 3 बार आप आराम से यूज़ कर सकते हो। बस आप कोई होम्योपैथिक शॉप में जाइए और आप जाके बोलिए मुझे टॉपी बर्बेरी क्रीम दीजिए, तो वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। ऑनलाइन शॉप से भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो मैं आपको मेरा लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप जाके अमेज़न से भी आप बाय कर सकते हो। ये कहीं पे भी अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। और दोस्तों इसके बाद मैं बताऊंगी और एक क्रीम के बारे में जो कि है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, वो है कैलेंडुला। कैलेंडुला क्रीम जो है वो चेहरे को हीलिंग करने में या मुहासे, पिंपल्स, दाग धब्बे को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। टॉपी बर्बेरी क्रीम भी अगर आपका फेस में पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और कैलेंडुला जो क्रीम है ये आपका स्किन में जो भी दाग धब्बे, इसको दूर करने में और ओपन पोर्स को ढकने के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। वो धीरे धीरे ओपन पोर्स को आपको छोटा कर देगा, श्रिंक हो जाएगा आपका जो भी पोर्स वगैरह जो बड़ा हो रहा है उसको श्रिंक कर देगा। और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको आप दिन में 2 बार यूज़ करना चाहिए आपको। तो 3 बार आप लगाइए टॉपी बर्बेरी क्रीम और 2 बार लगाइए आप कैलेंडुला क्रीम। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा इसको यूज़ करने से। कैलेंडुला का जो अर्घ है वो आपका जो पोर्स है उसको भरने के लिए काम आते हैं, दाग धब्बे को दूर करने के लिए काम आते हैं। इवन कैलेंडुला का जो अर्घ है वो आपका स्किन में जाने से आपका स्किन ग्लो भी करेगा। अगर आपका छिल जाए, कट जाए, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये घर पर आप ऐसे ही रख सकते हो। आप चाहो तो टॉपी बर्बेरी क्रीम और कैलेंडुला दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हो, तो उसमें आपका कुछ अलग नहीं बन जाएगा। वो आपको आपका स्किन में जो भी पोर्स वगैरह है उसको भी हील करने में मदद करेगा और पिंपल्स भी आने नहीं देंगे और स्किन आपका ग्लोइंग रहेगा, जिसका कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये कॉस्मेटिक्स नहीं है, ये होम्योपैथिक का है। तो कोई भी आपको साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, आपका स्किन भी ग्लोइंग रहेगा।
आप चाहो तो अलग अलग से लगा सकते हो टॉपी बर्बेरी क्रीम, अलग से 3 बार लगा सकते हो, 2 बार कैलेंडुला लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे दिक्कत हो रहा है उतना बार आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा टॉपी बर्बेरी क्रीम लीजिए, थोड़ा सा आप कैलेंडुला लीजिए, दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए, फिर फेस में लगा लीजिए 3 से 4 बार अपना फेस में दिन के टाइम में। और रात के टाइम में आपको लगाना है मार्क्स गो क्रीम, और साइलिस या टॉलबैक्स को पीना बिल्कुल मत भूलिए। ये सारा चीज़ें आप अपने जो डेली रूटीन में इसको लाइए, इसको यूज़ कीजिए, इसका जो इफेक्ट है अमेजिंग इफेक्ट है, आप यूज़ कीजिए और मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं अनुष्का फिर मिलती हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।